अजय जी, एडिबल ऑयल में क्या लगता है आपको? खबरें तो निकल के सामने आ रही है कि जब से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का बैन लगाया है, तो भारत सरकार ने मलेशिया के साथ समझौता करने की कोशिश की है, जिससे कि भारत में जो तेल की जो सप्लाई है ठीक ठाक रहे, लेकिन मलेशिया ने भी वहाँ का जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी कमी कर दी है। तो ऐसे में अब एडिबल ऑयल बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एडिबल ऑयल में जो तेजी या जो स्टेबिलिटी है ना, वो मात्र 15-20 दिनों की है जी। इसके बाद मुझे लगता है जून 15-20 तारीख के बाद एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक जबरदस्त फॉल आते हुए देख पाएंगे जी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। कभी भी एक बड़ी गिरावट हम पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देख पाएंगे, चाहे बस्टर की बात करें, चाहे सोया की। सोया की सोइंग भी होनी है, ऊंचे भाव को देखते सोइंग अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है जी। तो इनऑल मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से या एडिबल ऑयल सीड से थोड़ी दूरियां बना के चलनी चाहिए। आगे जाके रिटर्न इनमें नहीं बनेगा, कॉटन में बन सकता है, गवार में बन सकता है, मसालों में बन सकता है जी। बट कॉटन एडिबल ऑयल सीड से दूर रहना चाहिए जी। तो क्या अजय जी, जैसे सोयाबीन होगी, सरसों हो गई, मूंगफली होगी, तो क्या सभी तिलहनों में मंडियों में यहाँ पे गिरावट आते हुए नजर आएगी? देखिए, मैं जैसे स्टार्ट किया था एग्री में, तब मैंने यही कहा था कि ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से पिछले 2 साल से एडिबल ऑयल के भाव में तेजी बनी हुई है, सभी सरकार, चाहे इंडिया हो चाहे सभी सरकार, एडिबल ऑयल के प्रेशर को कम करना चाहती है, जिसके चलते गवर्नमेंट के रेडार से बने हुए, हमने इंडिया और एशिया का भी एक्शन आती हुई देखा, इसके सभी को देखा। तो मुझे लगता है कि कोशिश पूरी यही की जाएगी कि अगले 1 साल के अंदर एडिबल ऑयल का जो इन्फ्लेशन है वो कम करे। और साथ में देखिए, तेल में भी जो तेजी बनी हुई है ना, ये भी पाम ऑयल को सपोर्ट कर रही थी, बट अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जून के बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो क्रूड में भी वापस एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी जो 80-85 डॉलर दिखा दे। तो अगर क्रूड में गिरावट आती है तो पाम ऑयल में गिरावट, और पाम ऑयल में गिरावट आती है तो उसका टैक्सिंग इफेक्ट पूरे एडिबल ऑयल में पड़ता हुआ दिखाई देगा जी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।